दोस्तों, क्या आपको हाथों के इस हिस्से में सूजन रहती है? क्या आपको इस एरिया में गांठ पड़ जाती है काम करते वक्त? क्या उस गांठ की वजह से आपको दर्द होता है? तो आपको गैंग्लियन सिस्टम की एक प्रॉब्लम हो सकती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है और उसका क्या इलाज होता है, इसे विस्तृत में जानने के लिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग केस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जिसे हम गैंग्लियन सिस्ट बोलते हैं। दोस्तों, ये गैंग्लियन सिस्ट का केस इतना पुराना है, ये कंडीशन इतनी पुरानी है कि इसके बारे में जिक्र बाइबल तक में किया गया है। इस प्रॉब्लम में क्या होता है, पेशेंट के हाथ के डॉर्सल रीजन के अंदर एक सिस्ट बन जाता है या एक गांठ बन जाती है या एक सूजन बन जाती है। 90% पेशेंट्स के अंदर ये डॉर्सल रीजन के अंदर होती है और 10% पेशेंट्स के अंदर वोलर रीजन में भी होती है। ये गांठ अक्सर पेनलेस होती है, इसमें कोई दर्द नहीं होता, दबाने पे इसके अंदर कोई दर्द बढ़ता भी नहीं है, कोई टेंडरनेस भी नहीं होती है, पर इसका एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होता है, यानी ये दिखता खराब है। और यदि हम टर्मिनल एक्सटेंशन कर रहे हैं रिस्ट का या टर्मिनल फ्लेक्शन कर रहे हैं तो रिस्पेक्टिवली इस एरिया या इस एरिया की गांठ उस एक्सटेंशन या फ्लेक्शन को रोक देती है, उसमें स्टॉप कर देती है, जिसकी वजह से पेशेंट को जकड़न आ सकती है। तो आइए जानते हैं कि गैंग्लियन सिस्ट दरअसल क्यों होता है। दोस्तों, गैंग्लियन सिस्ट की अगर बात करें तो जनरली वो एक जॉइंट की एक्सटेंशन की वजह से होता है। अगर इस एरिया की बात करें तो हमारे हाथ के इस एरिया में स्कैफोल्यूनेट नाम का एक लिगामेंट होता है, जिसके बीच में से जो मसल्स हैं हमारे हाथ की तरफ जाते हैं। उस एरिया के अंदर यदि कोई सुराख हो जाए, कोई होल हो जाए, कोई क्रैक हो जाए और हमारे रिस्ट जॉइंट के अंदर साइनोवियल फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाए, जो कि चोट लगने की वजह से हो सकती है, रेगुलर डिजेनरेशन की वजह से हो सकती है, ओवर यूज की वजह से हो सकती है या कोई गठिया या इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती है, तो वो जो साइनोवियल फ्लूइड है या जो पानी है वो सीप आउट करके ऊपर स्किन तक में आ जाता है और इस रीजन के अंदर एक गांठ सी प्रोड्यूस कर देता है या एक सूजन सी प्रोड्यूस कर देता है। अगर हम इस तरफ देखें तो सेम प्रोसेस फॉलो होता है, पर कल्प्रिट जो होता है वो रेडियो कार्पल लिगामेंट होता है इस एरिया के अंदर। तो जब ये सूजन प्रोड्यूस हो जाती है, काफी सारे पेशेंट्स डर जाते हैं, उनको लगता है कि कहीं उनको ये गांठ कैंसरस तो नहीं है, क्या ये और अपने वाइटल ऑर्गन्स की तरफ फैल ना जाए। गैंग्लियन सिस्ट दोस्तों बेनाइन होता है, यानी ये गांठ नॉन कैंसरस होती है, नॉन मैलिग्नेंट होती है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करती है, इसलिए ये एक सेफ गांठ होती है। और ये 99% केसेस नॉन सर्जिकल होते हैं, बड़े सिंपल टू मैनेज होते हैं। यदि इसके डायग्नोसिस की बात करें तो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है इसका। इसके लिए कोई एक्सरे कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हड्डियों में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसलिए आपको एक्सरे के अंदर कोई फाइंडिंग नहीं मिलेगी। आप एक सिंपल अल्ट्रासोनोग्राफी करा के भी देख सकते हैं। ज्यादातर केसेस के अंदर ये गैंग्लियन सिस्ट के अंदर आपको पानी या फ्लूइड ही मिलेगा। यदि ट्रीटमेंट की बात करें तो आपको रेस्ट करना होता है, आप एक कंप्रेशन दे सकते हैं। 70-75 पेशेंट्स के अंदर ये एक घरेलू नुस्खे से भी ठीक हो जाता है, जिसे हम क्लोज रिडक्शन टेक्निक बोलते हैं। यदि आपके इस एरिया में गैंग्लियन सिस्ट हो जाए या गांठ हो जाए तो अपने अंगूठे से इस एरिया को दबाइए और 1 मिनट तक घुमाइए, आप खुद देखेंगे कि आपका गैंग्लियन सिस्ट रिड्यूस हो चुका है, यानी वो पानी वापस से जॉइंट के अंदर चला गया है। पर ये घरेलू नुस्खा 50% से ऊपर पेशेंट के अंदर फेल भी हो जाता है, क्योंकि कुछ ही दिन के अंदर वो पानी रिकर भी होने लग जाता है। तो इसका एक इलाज होता है कुछ दवाइयां लेना जो पानी सुखा सकती हैं। जो इस गैंग्लियन सिस्ट को करने वाला मूल कारण है उसका इलाज करना, यानी चोट लग जाए, अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, यदि इन्फेक्शन हो रही है इत्यादि, तो उस चीज को पूरा का पूरा देखना। डाइट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर इन्फ्लेमेटरी कॉज है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट डाइट लेना बहुत जरूरी है। और एक इसका बहुत सिंपल उपाय है, वो है इंजेक्शन के थ्रू गैंग्लियन सिस्ट को फोड़ा जा सकता है या उसमें से फ्लूइड को एस्पिरेट किया जा सकता है। ये इंजेक्शन लोकल एनेस्थीसिया के अंडर होता है, एक ओपीडी प्रोसीजर होता है। एक सिंपल इंजेक्शन से हम लोग
लोग उस सिस्ट को रप्चर करते हैं और जो फ्लूइड होता है उसको वापस से ले लेते हैं। वो फ्लूइड जनरली वाटरी होता है या वो हल्का सा विस्कस हो सकता है, टूथपेस्ट जैसा था मैक्सिमम कंसिस्टेंसी उसकी हो सकती है, और हल्के भूरे से पीले रंग का भी हो सकता है। कुछ ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर वो फ्लूइड कलरलेस ही होता है। फ्लूइड को एस्पिरेट करने के बाद आप उस रीजन में दवाई डाल सकते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, ताकि वो फ्लूइड दोबारा उत्पन्न ना हो। 1% जिद्दी केसेस के अंदर सर्जिकल अप्रोच यूज की जाती है। सर्जिकल अप्रोच भी जनरली लोकल एनेस्थीसिया के अंडर होती है और एक चीरा लगा के उस पूरे के पूरे एरिया को बाहर कर लिया जाता है। उसमें रिकरेंस के काफी कम चांसेस होते हैं, परंतु सर्जरी स्लाइटली ज्यादा रिस्की होती है। तो दोस्तों, यदि आपको या आपके किसी परिजन को गैंग्लियन सिस्ट की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल डरे ना, साउल ऑर्थोकेयर के नियरेस्ट पेन मैनेजमेंट सेंटर पे जरूर कांटेक्ट करें और इसका एक होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम पाएं और जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम से निजात पाएं। ऐसे और जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। थैंक यू।